तो रास्ते में फिर हमने स्टे कर लिया है, रुक रुक के जा रहे हैं। 12 घंटे हो चुके हैं, अभी तक हम नारान नहीं पहुँचे, ना ही का गाना आया अभी तक। तो हम लोग निकले थे 10:30 बजे लाहौर से और अभी 10 हो गए हैं और अभी तक हम नारान नहीं पहुँचे। तो हमारा एक प्लान जो है वो डिसाइड हुआ था, कोई कह देता कि इसमें के डायरेक्ट जाते हैं नारान की रात, वहाँ से रेस्ट करके स्टे करके थोड़ी देर निकले थे। कोई कह देता नहीं रात में रुक रुक के जाया, इस वजह से हमारा जो टाइम है काफ़ी वेस्ट हो रहा है। लेकिन एक अच्छी बात है कि हम काफ़ी सारे जो स्पॉट्स हैं उनको कवर कर रहे हैं, जो जहाँ पे हमें अच्छा लगता है कि यहाँ पिक्स अच्छी आएंगी या वीडियो अच्छी बन सकती है, वहाँ पे हम रुक के वीडियो बना लेते हैं, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, कुछ काफ़ी लेते हैं। मेन बात होती है कि इन्जॉय करना होता है, जहाँ भी स्पॉट आपको अच्छा लगा वहाँ पर रुकें और कैप्चर करें, क्योंकि हम लोग इसलिए रुके हैं कि वापसी भी रुका भी नहीं जाएगा। और अगर हम लोग होटल में चले गए तो वहाँ पर हमें अपना पता ना, हमें वहाँ जाके सोना ही है बस। और पीछे ये आपको रिवर नज़र आ रहा है, पास भी जाके लाजमी आपको दिखाएंगे, लेकिन अभी थोड़ी सी ये ऊंचाई पे है तो उसको प्यास लगी है समन को, तो तोता पानी पीने गया है। तो ये बहुत अच्छा व्यू है यहाँ पे, देखते हैं अगर मेरा कैमरा मैन मुझे फोकस करता है, अगर ये दिखा रहा है तो ये पूरा व्यू है नीचे, और मेरे सामने जो फ्रंट में व्यू है वो भी बहुत VIP माशाल्लाह से अल्लाह की शान है, कुदरत है। तो वो मैं आपको चेक करवाता हूँ, ये चेक करें व्यू, कुदरत है, इतना अच्छा। थोड़ी सी हुई है लेकिन मेडिसिन यूज़ नहीं की, कोशिश करेंगे मेडिसिन यूज़ ना करें, ठीक है? अगर ज़्यादा मसला हो रहा है फिर यूज़ करें, सोचते हुए तो मेडिसिन यूज़ करते ही वोमिट हो जाती है, इसलिए मैंने इसको मेडिसिन दी नहीं। तो अब वो होता है पीछे पीछे पानी लेके आ रहा है, तो आप देख लें कि यहाँ पे कितना शानदार खूबसूरत नज़ारा है। जब हम नारान पहुँचेंगे तो नारान में जा के देखेंगे कि वहाँ पे तो फिर अल्लाह की ड्यूटी होगी, बस हर चीज़ भी अल्लाह की बताई हुई नेमत है हमारे लिए, देखनी चाहिए, शुक्र अदा करना चाहिए। और जो अब मैं एक ऊपर देख रहा हूँ बादलों में और दरख्तों का थोड़ा सा मेल मिलाप हो रहा है आपस में, थोड़ा ऐसे लग रहा है कि टकरा रहे हैं। आपको अभी दिखाता हूँ बैठ के बस, हमारे नज़र आ रहा है इसके बिल्कुल पीछे देखें आप, ठीक है? मैं आपको साइड से थोड़ा सा दिखाता हूँ कि बादल ऐसे गुजर रहे हैं और दरख्तों का और जो माउंटेन का मार्जिन है बहुत ही VIP नज़ारा देखने को मिल रहा है। सामने हमारी गाड़ी है और तोता एक साइड पर बैठा हुआ नज़र आ रहा होगा आपको, ठीक है? मैं उनकी तरफ जा रहा हूँ वापस, यहाँ से लोग टूरिस्ट आ जा रहे हैं, देख रहे हैं ये एक ट्रक खड़ा हुआ है, ये भी बहुत अच्छा व्यू नज़र आ रहा है। और मुझे प्यास लग रही है तो फिर मेरे लिए सरप्राइज लाया, तो मैं बैठने पर तेज है तो बहुत ज़्यादा तेज हो जाए, तेज थोड़ा सा डिफरेंट है। तो ये कागान में हम पहुंच चुके हैं, हम आपको दिखा रहे हैं, किसी ने आज तक नहीं दिखाया कि कागान कैसा होता है। फाइनली कागान आ चुका है, तो उसके आगे नारान आएगा। जय 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 मरकजी जामिया मस्जिद कागान, ये सबूत है इस बात का कि हम झूठ नहीं बोलता। ये पुल है कागान का पुल, इसके नीचे पानी बह रहा है, रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट ऊपर पहाड़ी है, वो पहाड़ियों पर बर्फ भी है। ये फ्रूट्स जीप, ये लाल कुर्सियाँ लाल, ये PTI IEI, अच्छे अच्छे व्यूज़ हम आपको दिखाएंगे, आपका दिल करेगा यहाँ पे। और यहाँ आएंगे हमारा नाम तो लाजमी लेंगे कि स्नान और समन गए थे, हम भी जाएंगे। अभी ये बारिश स्टार्ट हो गया है और पानी ज़्यादा आना शुरू हो गया है, पीछे से
कुछ रास्ता गुजरा है वहाँ पे हम वीडियो नहीं बना सकते थे, वहाँ पे डैम बन रहा है तो वहाँ पे उन्होंने मना किया था। अब ये थोड़ा हम आगे निकल आए हैं, मतलब नारायण आने वाला है, फिर अब 10 किलोमीटर लेफ्ट एंड राइट। और यहाँ पे जो है पठान भाइयों ने इतनी सारी चादरें लगाई हुई हैं, पता नहीं कोई इनसे ख़रीदता भी होगा या नहीं। और बारिश आ गई है तो अब बेचारों को दोबारा से सारी उतारनी पड़ेगी, दोबारा इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। और अभी तक बारिश जो है वो जारी है, बहुत तेज़ तो नहीं हो रही लेकिन बहुत हल्की हो रही है। अच्छा वेदर हो गया वैसे, और हमारा सफ़र भी अभी जारी और सारी है। तो ये काली मिट्टी एक पॉइंट था यहाँ पे, इर्द गिर्द जो मिट्टी वगैरह और पहाड़ थे ना थोड़े वो काले काले थे सारा कुछ, तो ये भी अल्लाह की एक कुदरत है। और ये भी बहुत अच्छा एक पॉइंट था, पानी के अंदर सारी इन्होंने चारपाइयाँ वगैरह लगाई हुई हैं। और यहाँ से हम गुजर रहे हैं, कश्मीर पार्क आ चुका है और सफ़र अभी तक हमारा मुसलसल जारी है। नारायण अभी तक नहीं आ रहा, हमसे रूठा बैठा है नारायण, पता नहीं कब आएगा नारायण। तो हम थक चुके हैं। हमने सिर्फ नीनो करनी है, रूम लेना है। हम यहाँ सोने आए थे, हम देखने जाते हैं कि गर्मी में सर्दी का वाला सोना। हाँ, हम गर्मी में सर्दी को एंजॉय करने आए हैं इतनी दूर। वेलकम टू नावान, इन फ्यूचर। जी ये सामने नारायण आता नजर आ रहा है, हम जाते जा रहे हैं बहुत तो यहाँ हम नारायण पहुँच गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ जो हम काम करेंगे वो है होटल एक कोई तलाश करेंगे, सारा सामान हम होटल के अंदर रखेंगे। हम पूरे नारायण में फैल जाएंगे, एक को किसी होटल में भेजेंगे, देखेंगे वहाँ का रेंट कितना है, दूसरा दूसरे होटल में जाएगा, तीसरा तीसरे में जाएगा, फिर जहाँ पर रेंट अच्छा होगा वो आपको बताएँगे कि कौन सा होटल हमने लिया है। तो फिर आगे से हम जाएँगे सैफुल मुल्क थोड़ा फ्रेश हो के, तो अब तलाश करते हैं कोई होटल। चाय पी के जाएंगे, सिलेंडर साथ रखा हुआ है, सिलेंडर में गैस भी भरवानी, वो भी ढूंढनी है कहाँ से गैस मिलेगी यहाँ पे। तो अभी सारी आगे वीडियो में आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे गैस का क्या भाव है। तो ये नारायण का बाज़ार है, बाकी रात को इसका व्यू ज़्यादा अच्छा लगता है, अभी दिन में इतना आपको अच्छा नहीं लग रहा है। दिन की अपनी ब्यूटी है और नाइट की अपनी ब्यूटी है। अस्सलाम वालेकुम, ये अरसलान ने आज जीप जो है वो हायर की है सैफुल मुल्क जाने के लिए। इस पे बैठ के अब अरसलान और समन जो है वो सैफुल मुल्क जा रहे हैं। अरसलान चलाएगी, समन जो है वो किराया इकट्ठा करेगी, और इस तरह दोनों जो है ना वो सैफुल मुल्क जा रहे हैं। होटल लेने के बाद मैं बाहर आया था गैस भरवाने के लिए, तो 280 रुपीज़ पर केजी में यहाँ पे गैस मिली है सिलेंडर में भरवाने के लिए। काफ़ी महंगी है, लाहौर में इतनी महंगी गैस नहीं है, वहाँ पे शायद 200 के करीब है। तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें महंगी देते हैं ये। नारायण के जो होटल और रेस्टोरेंट हैं वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं, तो अभी हमें अंदर तक से आगे से घूम के आए, वहाँ से जाके बहुत मुश्किल से थोड़ी अमाउंट में ना थोड़े पैसों में होटल मिला है 2500 में पर डे। तो ढूंढने मिले थे, अभी ऑफ सीज़न जा रहा है, इस सीज़न में 7000-10000 के रूम अवेलेबल होते हैं। हमने ले लिया है ढूंढ के, जैसे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया है, वो बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है। 13-14 घंटे की हमने पूरा फासला तय किया है लाहौर से नारायण तक का, तो बीच में थोड़े थोड़े स्टॉप किए थे, मिला है हमें रूम। तो सबसे सस्ता रूम है, इसमें LCD भी लगी हुई है, बेड भी है, एक्स्ट्रा बेड भी पड़ा हुआ है, और आप हम चाय पिएंगे, गर्म पानी भी सही आ रहा है, खुद चाय बना के पियेंगे। उसके बाद फिर जिस जगह पे जिस झील पे हमें जाना है उसके उसपे भी आपके नजर आपको दिखाएंगे। ये रूम देखे हमारा आलीशान दिल बहार, और आप मैं तो लेट भी नहीं जा।
LCD पीछे है कैमरा में, वो मैं रूम छोटा है लेकिन साफ सुथरा और छोटा है लेकिन मोटा है। तो हम अब चाय बनाने लगे हैं, सैफुल ब्लो और कल का हमारा प्लान है। ये पत्ती मुझे काम लग रही है, मैं वो डाल दूँगी। अच्छी चाय बनाना, थकावट दूर हो जाए, आगे भी थकना है हमने। कड़क चाय। हाँ तो कैसा लगा नान आके? तोते का तो प्लान नहीं बन रहा था लेकिन अचानक इसका प्लान बना ही आ गई। बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन ना जो ज़्यादा कमर में दर्द हो रही है, कमर में अब इसकी दर्द निकल आई है। ऐसे भी चाय बनती है। अभी तक नहीं पकी, ये बैठी यहाँ पे वेट कर रही है कब चाय पके। बॉयल आ रहा है बस, चलो जल्दी करो थकावट दूर है, फिर जाना भी आ गया हमने। और तो क्या कह रहे हैं कैंपिंग का, क्या करना है? कैंपिंग भी करेंगे हम। चाय का बॉयल आ गया, पानी की चाय हमारी, तो अब हम इसको इसमें कप में डालेंगे। ये गर्मा गर्म चाय नारायण के अंदर, पहली चाय हमारी। सारी ऐसे भर लेंगे हम। यहाँ पे चाय गरम गरम बन रही है और ये सामने इतना व्यू अच्छा सा, ये देखें।